सकते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं दर्शकों के साथ। हमारे दर्शक कृणाल कुमार ने अपना सवाल हमने भेजा है ईमेल के जरिए और 28 साल की इनकी उम्र है। इन्होंने अपने लिए टर्म प्लान भी लिया हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस भी लिया हुआ है, लेकिन अपने लिए क्रिटिकल इलनेस प्लान लेना चाहते हैं। कृणाल नमस्कार, कैसे हैं आप? जी नमस्कार मैम, थैंक यू वेरी मच मेरा सवाल लेने के लिए। अच्छा लगा आपने अपने आप को कवर कर रखा है काफी अच्छे से, टर्म प्लान भी लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस भी लिया हुआ है, जागरूकता आप में आ गई है क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी को लेकर। लेकिन वो तमाम दर्शक समझना चाहें क्रिटिकल इलनेस प्लान क्या होता है, बलवंत जी उन्हें आप पहले ये समझा दीजिए। देखिए ऐसा है कि जनरली लोगों को दो टाइप के इंश्योरेंस के बारे में ही आइडिया है, एक तो जो लाइफ इंश्योरेंस है वो तो कई सालों से लोग खरीद रहे हैं, दूसरा जो है वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस है। परंतु क्या होता है कि अगर आपको कोई ऐसी सीरियस बीमारी हो गई जिसकी वजह से आप काम पे नहीं जा पा रहे हैं, आप बेड रिडन हो गए हैं, तो चूंकि आप जिंदा है तो आपको लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से कोई पैसा नहीं मिलेगा, और हॉस्पिटल जो आपका मेडिक्लेम पॉलिसी जो है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा कवर करता है। तो इस स्थिति में आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, आपकी इनकम बंद हो जाती है और आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। मतलब रेगुलर खर्चा तो है ही, इसके अलावा आपका जो मेडिकल ट्रीटमेंट का जो खर्चा है कोई ये सीरियस बीमारी की वजह से, तो इसके लिए क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस मिलता है। तो इसमें ऐसा है कि कुछ स्पेसिफाइड डिजीज है, 30-35 डिजीज है, अगर जैसे ही वो आपकी डिजीज डायग्नोस हो गई तो आपको इंश्योरेंस कंपनी कोई वेटिंग पीरियड, जो सर्वाइवल पीरियड बोलते हैं उसको, उस सर्वाइवल पीरियड में अगर आप रहते हैं तो आपको जितना इंश्योरेंस है उतना का उतना पूरा पैसा मिल जाता है। उसमें आपका हॉस्पिटलाइजेशन होना जरूरी नहीं है या आपका खर्चा करना जरूरी नहीं है। तो ये जो पॉलिसी है वो क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी बोलते हैं उसको। वैसे नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ में एज अ राइडर मिलती है, परंतु राइडर इतना सफिशियंट मात्रा में नहीं मिलता है जितना आपके पास होना चाहिए, तो आपको अलग से ही क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी खरीदना चाहिए। चलिए कौन से रेकमेंड करेंगे आप कृणाल को? कृणाल के लिए मैंने वैसे आइडेंटिफाई किया है, रेलीगेयर का पॉलिसी है, अश्योर करके नाम है उसमें, तो उसमें 10 लाख का कवर है, 6,700 रुपए के आसपास कॉस्ट आती है, और उसमें पर्सनल एक्सीडेंट भी कवर होता है। तो ये सबसे बढ़िया पॉलिसी है। और एक और बढ़िया बात इसमें है कि जैसे मैंने बताया कि जो सर्वाइवल पीरियड का रिक्वायरमेंट होता है आपका डायग्नोसिस होने के बाद में, नॉर्मली 30 दिन आपका सर्वाइव होना जरूरी है तो ही आपको पैसा मिलता है। इसमें सर्वाइवल पीरियड 0 है, मतलब जैसे ही आपका डायग्नोस हो गया वैसे ही आपको ये पैसा मिल जाएगा। ओके चलिए, और साथ ही आपको बलवंत जी जो है वो टर्म कवर बढ़ाने की भी सलाह दे रहे हैं। कृणाल आपको 60 लाख का करना चाहिए अपना कवर, उसके ऑप्शंस भी हम स्क्रीन पे आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं, और साथ ही आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस में भी टॉप अप प्लान लेने की सलाह दी जा रही है। 10 लाख का कम से कम आप इसको कर सकते हैं, सुपर टॉप अप की बोल रहा हूं मैं। जी सुपर टॉप अप प्लान लेना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई है और ये तमाम